करते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, मिड कैप के महारथी। और आज मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, बताएं कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे? धन्यवाद आपका। तो बुनियादी दर के आधार पर मिड कैप के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की एक मिड कैप कंपनी है जिसका नाम है ग्लेन फार्मा लिमिटेड। 2000 के पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ये कंपनी मुख्य तौर पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है जिसे हम API कहते हैं, और R&D में बहुत बड़ा कामकाज है, CDMO में भी इनका कामकाज बहुत बड़ा है, और संभवता ये कि आने वाले समय में जिस प्रकार से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए बाजार में उसको लेकर के इनके जो नतीजे हैं उस पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। और निरंतर अगर आप देखें तो इस कंपनी के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में और पिछले वित्तीय वर्ष में काफी अच्छे आए थे, और 60 से ज्यादा देशों में ये अपना कामकाज फैला रही है, कारोबार कर रही है देश में विदेशों में। तो लंबी अवधि का नजरिया तो खरीदारी की राय है, और 215 के आसपास के लक्ष्यांक है बुनियादी दर के आधार पर। बिल्कुल, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ग्लैंड फार्मा पर खरीदारी की राय 2015 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। गौरांग, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज में 3 घंटे के हिसाब से भी अगर देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे नजर रखनी चाहिए। ये हमने इवन सोशल मीडिया पे वीकेंड पे मेंशन किया था हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह पे, और यहाँ पे आज की मूवमेंट जो है उसमें हमारे क्लाइंट्स की भी पोजीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे और जूस अवेलेबल है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। 3 घंटे के लिए तो इसमें कर ही सकते हैं, लेकिन मैं और भी ये कहूंगी कि दिवाली तक अगर कोई होल्ड करना चाहे तो भी जिन काउंटर्स पे नजर रखनी चाहिए उनमें भी ये काउंटर होना चाहिए। शादी का सीजन चल रहा है, आने वाले टाइम में बहुत शादियां होने वाली है, सो मेनी शादीज मीन्स सो मेनी होम्स मे गेट परचेज एज वेल, तो यहाँ पे मीडियम टर्म के हिसाब से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 घंटे की जहां तक बात है, 3154 पे अभी ये काउंटर चल रहा है, अगर 3130 होल्ड करेगा ये तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 3170 तक जा सकता है। 3170 क्रॉस हो गया तो 3180 का नंबर भी हम देख सकते हैं। तो GCPL यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर खरीदारी की राय आज के लिए ही नहीं, लेकिन नियर टर्म में नजरिया काफी पॉजिटिव है। दिवाली तक इस स्टॉक पर आउटलुक काफी पॉजिटिव है। लेकिन रचना, मैं आपसे ग्लेनमार्क फार्मा पर भी राय लेना चाहूंगी। 5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। कंपनी की जो फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी औरंगाबाद में, वहां से USFDA से पॉजिटिव आउटकम आया है, 0 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फॉर्म 483 में, जिसके चलते ग्लेनमार्क फार्मा इस स्टॉक में करीब 5% की तेजी है। ट्रेडर्स के लिए क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर? जी, ये न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है जिसकी वजह से प्राइस एक्शन में आज एक गैप अप के साथ मूवमेंट आई है। अब देखने वाली ये बात रहेगी यहाँ पे कि इस मूवमेंट को फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं मिलता है। ओवरऑल अगर दूसरे फार्मा कंपनीज की बात करें तो उनमें भी कई जगह पे आज मूवमेंट आया है, जो कि पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव साइड पे चल रहा था, एग्जैक्टली द वे ग्लेनमार्क वाज आल्सो प्लेस्ड। तो यहाँ पे पूरे एक सेक्टर में एक स्विंग आ रहा हो ऐसी नजर चीज आ रही है चार्ट पे। जहां तक ग्लेनमार्क के लेवल्स की बात है, 1700 के ऊपर अब ये काउंटर जब तक रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी जो एक अपस्विंग जनरेट हुआ है वो आगे कंटिन्यू होना चाहिए। 1700 के स्टॉपलॉस के साथ अगर कोई इसको बाय करता है तो 1740 एंड 1760 के दो टारगेट्स आने वाले दिनों के लिए बना सकते हैं।